पोषण मास साथ मनाएं, कुपोषण को दूर भगाएं, ग्रहण कर पौष्टिक आहार, दूर करें सभी विकार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कंचन नेगी और स्वागत अभिनंदन आप सभी का दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड के आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा करेंगे पोषण माह के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड देहरादून के स्टूडियो में उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर मनु जैन, और साथ में है CDPO और राज्य नोडल अधिकारी महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग उत्तराखंड तरुणा चमोला जी। तो होते उनसे रूबरू, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में और हमारे खास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद कंचन जी। जी डॉक्टर साहब, हम सभी जानते हैं कि कुपोषण हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही गंभीर समस्या होते जा रही है, तो इसके बारे में पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर कुपोषण है क्या, और क्या इसके लक्षण हैं, और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। कुपोषण एक बीमारी के रूप में हमारे यहाँ भारत में वर्तमान में है जी। और कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण हमारा संतुलित आहार ना लेना है। बिल्कुल। और संतुलित आहार के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवहार भी हैं जो हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे, जिसके कारण से जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। और हम लोग का जो खान पान है और जो व्यवहार है, एक बहुत बड़ा कारण गरीबी भी है। गरीबी होने के कारण भी हम लोग जो कुछ जैसे खाने पीने की वस्तुएं महंगी होती हैं वो नहीं खाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दालें हैं, तो दाल और दूध के जो पदार्थ हैं ये महंगे होते हैं और हम लोग गेहूं और चावल के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कुपोषण का कारण हमारा आहार है, संतुलित आहार ना होना कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है जी। और इससे कैसे बचा जा सकता है डॉक्टर साहब? तो बचने के लिए इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कारण क्या क्या है और कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो पौष्टिक हैं, जिनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, कॉपर, मैग्नीज इत्यादि जो हमें माइनर उसमें जरूरत होती है, तो जो खाद्य पदार्थ इनसे इनमें भरपूर होता है जिन खाद्य पदार्थों में, तो यदि हम उनका सेवन करें। और दूसरा कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो इन पोषक तत्वों को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं जी। तो उनको भी हमें कोशिश करना चाहिए कि नहीं उन्हें खाएं, तो क्या करें और क्या ना करें, दोनों चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और हमारा शरीर स्वस्थ होगा, नागरिक स्वस्थ होंगे, तो देश भी जो है तरक्की करेगा, देश के निर्माण में हर नागरिक अपना प्रतिभाग कर पाएगा जी। तरुणा जी पूछना चाहेंगे कि केंद्र सरकार तो मतलब कुपोषण को खत्म करने के लिए पूरा सितंबर 1 तारीख से सितंबर 30 तारीख तक ये पोषण माह के रूप में आयोजित किया जाता है, तो इसमें पूछना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, किन उद्देश्यों के को फॉलो करता है ये जो पोषण माह है? राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जी। और राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था राजस्थान से। प्रथम बार ये माना गया कि जो पोषण की कमी है वो किस प्रकार से बच्चों तथा महिलाओं में बहुत गंभीर समस्याओं को जन्म देती है, इसको मान के ये राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। ये भी माना गया कि इसमें जन भागीदारिता जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक इस कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये जन जागरूकता मोड में चलाया गया, इसको मिशन मोड की तरह इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। दूसरी बात, इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग को भी साथ में रखा गया है, आधुनिक तकनीकी को इसमें साथ रखा गया है और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में एक एक मोबाइल फोन सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया गया है ताकि बच्चों तथा महिलाओं की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके जी। तो आप दोनों से हम चर्चा जारी रखेंगे। तो दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड की ये विशेष प्रस्तुति का, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस साल पोषण माह की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है। प्रदेश भर में इस अवसर पर बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रचार प्रसार के लिए एक जन आंदोलन के रूप में हर साल 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह आयोजित किया जाता है।
महिला एवं बाल विकास विभाग पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना और समुदायों में स्वच्छ खाने की आदतों को प्रोत्साहित करना है। पोषण की कमी से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है और वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। पोषण के सही स्तर को बनाए रखना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस साल पोषण माह की थीम सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत है। प्रदेश भर में इस अवसर पर बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए 1 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत, जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान, उम्र के हिसाब से पूरक आहार की आदतें और एनीमिया की रोकथाम प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत छोटे बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पौष्टिक आहार को लेकर जरूरी परामर्श दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पोषण माह के तहत आयोजित कार्यक्रमों में महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय फल और सब्जियों को प्राथमिकता देने के लिए पोषण प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं स्कूल कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को पोषण युक्त आहार की जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड की इस खास प्रस्तुति के बाद पुनः आपका स्वागत अभिनंदन। और हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पोषण माह के ऊपर। डॉक्टर जैन साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि यूं तो हम कुपोषण की बात करते हैं या एनीमिया की बात करते हैं, तो एनीमिया की वजह से भी कुपोषण होता है और कुपोषण की वजह से भी एनीमिया होता है, तो इसके बारे में मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा आपने बताया ये बात, कुपोषण और एनीमिया दोनों एक दूसरे के साथी हैं जी। और कुपोषण होगा तो एनीमिया भी जरूरी होगा और एनीमिया होगा तो कुपोषण भी जरूरी होगा। तो एनीमिया एक जो हमारी इस समय पोषण माह की थीम है उसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम घटक जो है वो एनीमिया ही है। तो एनीमिया होता क्यों है? एनीमिया हमारे शरीर के अंदर अधिक जो सबसे बड़ा कारण है वो आयरन की कमी है। इसके अलावा अन्य कारणों से भी एनीमिया होता है, प्रोटीन की कमी से भी एनीमिया होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एनीमिया होता है, लेकिन वो जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत कम संख्या में होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण कारण और बहुत बड़ा कारण है वो आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी क्यों होती है शरीर के अंदर? आयरन की कमी हम जो आयरन हमें मिलेगा वो डाइट से ही मिलेगा, खाद्य पदार्थों से ही हमें आयरन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी हमारी रीतियाँ भी हैं, रिवाज भी हैं, जिसके कारण से शरीर में आयरन जाने के बावजूद वो एब्जॉर्ब ना हो पाए। बिल्कुल। तो जैसे एक मेरा कहना है कि चाय जो हम लोग पीते हैं, चाय में स्पेशली जो मिल्क कंटेंट होते हैं, जो दूध होता है, वो हमारे खाद्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आयरन होता है उसके अवशोषण में अर्थात उसके एब्जॉर्प्शन में वो रुकावट पैदा करता है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। और पहाड़ में विशेषकर हमारे यहाँ क्योंकि ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंड होती है, तो चाय पीने की आदत एक गर्म पदार्थ होने के कारण ज़्यादा होती है। तो हम सुबह से लेकर और रात तक कई बार तो 12, 13, 14 चाय भी पी जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि खाना खाने के बाद स्पेशली मेरा सबसे अनुरोध है कि हम चाय का सेवन ना करें। मुझे लगता है कि डॉक्टर ऐसे तो पूरा जो हमारा वर्क कल्चर है उसमें भी चेंज लाने की जरूरत है। और जितने दर्शक हमको सुन रहे हैं, आप भी चाय का सेवन कम से कम ही करें या तो बिल्कुल भी ना करें, यही डॉक्टर साहब ने भी हमको सभी को सलाह दी है। तरुणा जी पूछना चाहेंगे कि ये जो हमारा पोषण माह चल रहा है, तो इस माह के दौरान अनेकों अनेक गतिविधियां होती हैं जन जागरूकता के लिए, तो आंगनबाड़ी का क्या रोल है, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग का क्या रोल है इस पोषण माह में? मैम देखिए, ये जो राष्ट्रीय पोषण माह है जी, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कम्युनिटी को तैयार करना। कम्युनिटी तो हम लोग कम्युनिटी को शामिल करते हैं पूरे, जैसे उत्तराखंड में लगभग 7000 कुछ पंचायतें हैं और 20,069 हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। वहाँ पे ग्रामीण लेवल हो या हमारा शहरी जो समुदाय है उस सब समुदाय को शामिल कर किया जाता है और उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के रीति रिवाजों के साथ
हम लोग इस थीम को मनाते हैं और प्रत्येक आंगनवाड़ी सेंटर पे हर माह की 5 तारीख को वजन और पोषण दिवस मनाया जाता है। और वजन और पोषण दिवस में बच्चों की जैसे हाइट और वेट हमारे यहाँ लिया जाता है और पोषण ट्रैकर ऐप पे उसको चढ़ाया जाता है ताकि बच्चा मतलब अगर कुपोषण का शिकार है तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका उपचार होता है और उस पर फिर चर्चा होती है पेरेंट्स के साथ। इसी तरह हमारे यहाँ जैसे गोद भराई कार्यक्रम, अन्नप्राशन कार्यक्रम ये मनाए जाते हैं और मतलब उनको एक स्पेशल फील करवाते हुए महिलाओं को, और इस तरह से संदेश दिया जाता है कि पोषण किस तरह से वो अपने पोषण के स्तर में सुधार ला सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो गर्भवती महिलाओं को जैसे ही गर्भावस्था का पता चलता है तो हमारी आंगनवाड़ी केंद्रों में वो पंजीकृत होती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होते ही मतलब एक तरह से हमारा मतलब उस पर कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और उसमें फिर हमारी जो 4 प्रसवपूर्व जांचें होती हैं महिलाओं की, और उसमें फिर ये क्लियर भी हो जाता है कि मतलब महिलाओं में किस तरह की कमियां हैं और गर्भावस्था में हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं और उसके साथ ही पौष्टिक आहार वो कैसे ले सकती हैं, वो सब बातें महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों पर समझाई जाती है। और देखिए अमूमन अगर हम इस माह के बाद ना भी करें तो भी आंगनवाड़ी में हफ्ते में 2 बार बच्चों को दूध के लिए अंडा दिया जाता है, तो वो मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी को इनहांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए कि वो शारीरिक रूप से और ज़्यादा विकसित हो पाएँ, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि पहले के ज़माने की यदि बात करें तो गौशाला में डिलीवरीज हो जाया करती थी, और अब काफ़ी ज़्यादा जो स्वास्थ्य विभाग है वो बेहतरी से कार्य कर रहा है, वो इसने काफ़ी जोर दे रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की यदि बात कर रहे हैं तो उसमें स्वास्थ्य विभाग हमारे प्रदेश का बहुत जोर देता है, तो इससे क्या क्या परिवर्तन आया है और कितनी महिलाएँ कुपोषित होने से बची हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य समय दिया है जी। और वास्तव में इसमें मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहूँगा, जब मैंने आज से लगभग 28 साल पहले उत्तराखंड में अपनी नौकरी ज्वाइन करी थी तो उस समय एक प्रथा थी कि जो डिलीवरीज होती थी, जो प्रसव होते थे, वो गौशाला में किए जाते थे। लेकिन उसके लिए हमने स्वास्थ्य विभाग ने अन्य विभागों के माध्यम से एक अभियान, क्या बल्कि मैं कहूँगा महाअभियान हमने चलाया, और आज की डेट में हम लोग 80% से भी ज़्यादा तो संस्थागत प्रसव करा रहे हैं और गौशाला में जो परंपरा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसी प्रकार मैं यह चाहता हूं कि कुपोषण के प्रति भी हम एक सामाजिक आंदोलन के रूप में और कम्युनिटी के प्रतिभाग करते हुए सहभागिता से हम इसको चलाएं, तभी हम इसमें सफल होंगे और कुपोषण को हम पूर्ण रूप से समाप्त करने में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल तरुणा जी, यहाँ पे पोषण माह की बात चल रही है तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो अहम 5 सूत्र क्या हैं। पोषण राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 5 सूत्रों की बातें आती हैं जी। तो 5 सूत्रों में सब सर्वप्रथम है वो है सुनहरे हजार दिन जी। सुनहरे हजार दिन मीन्स कि जब से एक गर्भवती माता मतलब गर्भ धारण करती है तो उससे लेके उसकी जो डिलीवरी डेट है वहाँ तक, और फिर 2 साल तक जब तक बच्चा होता है तब तक सुनहरे हजार दिन के रूप में वो काउंट होता है। गर्भावस्था के 270 दिन और जो बच्चा शिशु के दो साल प्राप्त करने के 730 दिन, टोटल हजार दिन के रूप में उसको मनाया जाता है। इसके तहत मतलब ये है कि जो गर्भवती माता है उसको ये मैसेज जाता है कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। फिर जब तक बच्चा 2 साल का होता है तो 80% से 90% तक विकास बच्चे का उसी पीरियड में होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है। तो उस समय महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सुनहरे हजार दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके साथ है पौष्टिक आहार, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैंडेट है तो महिलाओं और बच्चों के लिए, तो इसका जो सेकंड सूत्र है वो है पौष्टिक आहार। तीसरा है हमारे यहाँ डायरिया, क्योंकि भारत जैसे देश में जब आज साइंस टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर चुकी है फिर भी बहुत सारे बच्चों की जो डेथ होती है वो डायरिया से होती है, तो डायरिया प्रबंधन मतलब इसका थर्ड सूत्र है कि किस तरह से हम डायरिया से बचाव कर सकते हैं। इसमें एक है एनीमिया, तो एनीमिया के कारण बहुत सारे हमारी जो माता हैं वो प्रसव के दौरान मतलब आफ्टर डिलीवरी उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो लगातार कुपोषण के चक्र में बनी रहती हैं, बच्चे भी कुपोषण के चक्र में बने रहते हैं, तो इसका सब एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है हमारा एनीमिया। इसका जो 5वां सूत्र है वो है व्यक्तिगत स्वच्छता,
और जो आसपास की जो स्वच्छता है वो इसमें आती है। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब हमें अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान देना है, बहुत जरूरी है जी जी, और अपने आसपास अपने आस पड़ोस में भी ध्यान देना है। और कोविड टाइम पे सबने देखा है कि जो हैंड वॉश की जो प्रैक्टिसेस थी उसने बहुत हद तक कोविड को से लोगों को बचाया है। स्वच्छता के विषय में मैं भी थोड़ा कुछ ये कहना चाहता हूं। जी जी प्लीज डॉक्टर साहब, कि साफ सफाई और स्वच्छता के कारण ही यदि हम नहीं रखते हैं तो पेट में कीड़े होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जो कीड़े हैं उसके कारण से भी जो कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण वो बन जाते हैं। आधे से ज्यादा खाना वो कीड़े ही खा जाते हैं, इसलिए हम कीड़े मारने के लिए जो एक दवाई होती है उसको भी हम नेशनल डेवलपमेंट डे के रूप में मनाते हैं हर साल। इस साल हम 10 सितंबर से वो चला रहे हैं कार्यक्रम जी। और डॉक्टर पूछना चाहेंगे कि अगर यदि हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि कुपोषित हैं, और क्या उनकी गणना की जाती है, कैसे मॉनिटरिंग की जाती है, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे या तरुणा जी आप बताना चाहेंगे? मैम, जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र पे महिला जैसे ही गर्भवती होती है उसका पंजीकरण होता है, वहीं से उसके जो चार प्रसव पूर्व जांच से होती हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। लेकिन उससे हमारे मतलब हमारे यहाँ बेसिकली जन जागरूकता कार्यक्रम, तो वहाँ पे जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात, आंगनवाड़ी प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे अनुपूरक पोषाहार मिलता है कि जो अभी भारत सरकार का मैंडेट है कि फोर्टिफिकेशन फूड महिलाओं को दिया जाए, इसके तहत हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए। अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम, महिला पोषण कार्यक्रम, बाल पोषण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ऐसी स्कीम्स के तहत पोषण को कम करने का प्रयास किया जाता है। फिर 5 तारीख को जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि और निगरानी दिवस जो हमारे यहाँ मनाया जाता है, तो पूरा वजन पोषण उनका किया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसमें जैसे अभी सर ने कहा कि जो संस्थागत प्रसव है उसको लिया जाता है, तो अभी जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उसमें जो जितने भी आवेदन करता है उनको कुछ मैंडेट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, उसमें ये भी होता है कि संस्थागत वो प्रसव हो, टीकाकरण पूर्ण हो, इस तरह की हमारी स्कीम्स भी हैं जो एक मतलब ये संदेश देती हैं कि आपको मतलब संस्थागत प्रसव कराना है, अपना टीकाकरण पूर्ण कराना है। इसके साथ जैसे नंदा गौरा स्कीम है जो हम बालिकाओं को देते हैं जन्म पे 11,000 रुपये और इंटर पास पे 51,000 रुपये सॉरी, तो उसमें भी जैसे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जन्म लेने वाली बालिका है तो उसमें भी हम मैंडेट करते हैं कि संस्थागत प्रसव जैसी चीज़ें हमारे यहाँ आए जी। और तरुणा जी पूछना चाहेंगे कि लोग इतने ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है कि सभी अवेयर हैं और अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, तो ताज़ा फल सब्जियां हर कोई खाना चाहता है ठीक है, लेकिन इसमें क्या आज प्रायः देखा जाता है कि लोग कम जगह में भी ताज़ा फल सब्जियां उगा रहे हैं, आजकल गमलों में भी उग रहे हैं, टेरेस फार्मिंग की जा रही है, लोग अपने छतों में भी लगा रहे हैं, तो उसमें पूछना चाहेंगे कि जो जो भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो भी पोषण वाटिका पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर वो पोषण वाटिका क्या है, क्या वो भी अपने घर में पोषण वाटिका बना सकते हैं कि नहीं? मैम, भारत सरकार द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है जी। इसके तहत पोषण वाटिका का कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रीय पोषण मिशन में भी आती है कि समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं लगाई जाएं। जैसे कि अब हम धीरे धीरे हमारी जो आदत थी कि हम सब कुछ इजीली पाना चाहते थे, बहुत आसानी से हमको मिल जाए, तो फल सब्जियां जो है हमको आसानी से हम खरीद के लाएं, लेकिन उसमें वो पौष्टिक तत्व है नहीं है, वो कितना केमिकल है, पेस्टिसाइड है, जैसे अभी ऑर्गेनिक खेती की बात चल रही है, लेकिन जैसे अभी सितंबर माह है जहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ ग्रीनरी है, तो ऐसे में भी हम बाजार से सब्जियां खरीद के खाएं, तो ऐसे भ्रांतियों को दूर करने के लिए पोषण वाटिका लाई गई है। और ये लगभग मैंडेट किया जा रहा है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे, स्कूल में और जो हमारे पंचायतें हैं वहाँ पे पोषण वाटिकाओं का निर्माण हो, ताकि बच्चों को आसानी से उसी स्थानीय जगह पे स्थानीय मौसम की सब्जियाँ मिल सकें जी। पूछना चाहेंगे डॉक्टर आपसे कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद गाँव के इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादा महिलाएँ जागरूक नहीं है, वही डूज और डोंट्स की जो बात आपने कही थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या टीकाकरण होना चाहिए, स्वस्थ
रहने के लिए क्या क्या बीमारियां होती है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप उस पर भी प्रकाश डालें, ताकि जो बच्चा है जब उसकी ग्रोइंग स्टेज है, तो माना जाता है कि 3-4 साल का जब तक बच्चा होता है उसका 75% एक बच्चे का मस्तिष्क विकसित हो जाता है, तो वो बड़ा ही क्रूशियल पीरियड होता है एक बच्चे के लिए और माँ के लिए भी, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी, और मैं खुद भी ये कहना चाहता था, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो स्वस्थ माँ होगी, माँ के अंदर कुपोषण नहीं होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, लेकिन बच्चा स्वस्थ तो हो गया पैदा, उसका जो पहले 2 साल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जब वो और जो पहले 6 माह हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस विषय में मैं 2 बातें स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा हमारी दर्शकों को कि पहले 6 माह तक केवल माँ का दूध ही देना है, ऊपर से कुछ नहीं देना है। माँ के दूध के अंदर इतने पोषक तत्व तो होते हैं कि वो बच्चे के विकास के लिए सारे पोषण उसको दे देते हैं, और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग भी है वो आधे घंटे के अंदर ही, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ यदि आधे घंटे के अंदर हम शुरू कर देते हैं तो उसके भी बहुत सारे लाभ इस समय रिसर्च के माध्यम से हमें पता चले हैं, जैसे कि महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवरियन जो डिसीज होती है बहुत सारी, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा घट जाती है ये जी। तो उस ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को भी फायदा नहीं होता है, माँ को भी बहुत फायदा होता है। तो एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली करनी चाहिए 6 माह तक, लेकिन यही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 6 माह के बाद ब्रेस्ट फीडिंग 2 वर्ष तक तो अवश्य करें, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, बच्चे को ऊपर से भी कुछ देना पड़ेगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं पोषण की, वो माँ के दूध से 6 माह के बाद पूर्ण नहीं होती है। तो हमें उसके 6 माह के बाद उसको सप्लीमेंट्री फूड देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री फूड में आप जो घर में आप बनता है, जैसे दाल, चावल, खिचड़ी और हरी सब्जियां थोड़ी, इस हिसाब इस तरह की चीज़ें आप दीजिए जो बच्चे के ग्रोथ के लिए अति आवश्यक हैं, और 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष तक उसका जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम होती है जीवन में, और यदि उस समय कुपोषण रहेगा तो वो जीवन भर उसके जीवन पर असर डालेगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन 6 महीने से पहले केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। तो ये 2 संदेश मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। हाँ जी, क्योंकि खास तौर पर देखा जाता है जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं तो वो जो कहीं वर्क करती हैं तो लेकिन वो बॉटल में डाल के चली जाती हैं, ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि वो भी अगर हमको सुन पा रही हैं, देख पा रही हैं। थोड़ा आपको यदि इंटरप्ट करना चाहूंगा कि कामकाजी महिलाओं के लिए ही इसीलिए हमने जो है मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव का ही प्रावधान करा हुआ है, हर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए, इसीलिए कि बच्चा उनका कुपोषित ना हो जाए, तो उनको जो है हम 6 महीने तक का मातृत्व अवकाश भी देते हैं जी। इसमें मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो कुपोषण है वो सिर्फ गरीबी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि बैड फूड हैबिट से भी रिलेटेड है। जंक फूड की बात करें तरुणा जी, तो आजकल तो सभी जंक फूड के पीछे जा रहे हैं, चाहे नूडल्स की बात करें, मोमोज की बात करें, और आजकल तो जो इंस्टेंट डिलीवरीज हो गई है ना, कि आप स्विगी कर लीजिए, जोमेटो से कुछ भी आप, और तुरंत आपको विद इन 5-10 मिनट्स में सामान आ जाता है, पिज्जा बर्गर वगैरह। ये तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि इससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। मैं भी पूर्णतः सहमत हूं उस बात से जी, बहुत अच्छा ये हमने इस फोरम पे आप लोगों ने उठाया है ये बात कि हमें इसको जंक फूड जो है बहुत ही खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। मैम जंक फूड भी और बैड फूड हैबिट्स में, जैसे कि बच्चा एक ही तरह का भोजन लंबे समय तक करता है, जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से खाना खा ले, समय नहीं है आजकल, जैसे आपने कहा कामकाजी महिलाएं हैं, समय नहीं है, या उसको खेत में जाना है, महिलाओं को कुछ और काम करना है, और दूसरी बात कि हर कोई अपने को बच्चे की जो चिड़चिड़ाहट है या टाइम देने से बचना चाहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रामीण स्तर पर हो या शहरी स्तर पर, पढ़े लिखे या अनपढ़ की, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि जागरूकता की कमी होती है कि बच्चे को सिर्फ मतलब एक ही प्रकार का भोजन ना हो, उसमें वैरायटी ऑफ फूड हो, मतलब हमारी जो थाली है वो सतरंगी थाली हो बच्चे की, और फ्रिक्वेंसी ऑफ फूड हो कि मतलब बार बार बच्चे का, क्योंकि स्टमक का साइज बहुत छोटा होता है तो उसमें बच्चे की और एक्टिविटीज़ उसकी इतनी ज़्यादा होती हैं, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत सारा उसको मतलब बार बार उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है और विभिन्न प्रकार के खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जैसे देखते हैं कि मदर अगर बच्चा दूध इजीली पी रहा है तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को ठीक है भाई 2-3 किलो दूध लाओ, और बच्चा क्योंकि दूध पसंद करता है दूध दे दो, क्योंकि हम लोग उस पर वर्क नहीं करना चाहते,
और इसी तरह से एक जैसा खाना, जैसे गांव में अगर लोग बहुत बिजी हैं तो अगर सुबह दाल भात बनाया है तो शाम तक वही दाल भात चल रहा है और बच्चा उसी को खा रहा है, तो इस इन सब कारणों से भी कुपोषण बढ़ता है। बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम लोग बहुत अर्निंग महिलाएं हैं, मतलब एक तरह से कमा रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो खा सकते हैं, तो हम लोग फट से जैसे आपने कहा जोमेटो स्विगी हमने मंगा के खा लिया, लेकिन उसमें पौष्टिक तत्व कितने हैं ये हम नहीं देखते, या बच्चों को या महिलाओं को वो किस हद तक वो कर रहे हैं। तो एक इसीलिए ये इस तरह की घर में बना ताज़ा पका भोजन ही बच्चों को दिया जाए, और फ्रिक्वेंसी ऑफ फूड मतलब बार बार बच्चों को अलग अलग प्रकार का खाना दिया जाए, वैरायटी ऑफ फूड दी जाए बच्चों को। सबसे अच्छी बात है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में तो बच्चों को कुक्ड फूड बिल्कुल ताज़ा पका भोजन भी बच्चों को मिलता है। वो भारत सरकार का मैंडेट है मैम कि जो भी हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं उनको हमारे यहाँ ताज़ा पका भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसमें हम लोग नाश्ता बच्चों को और दिन में खाना, ताकि एक अट्रैक्शन भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का बने और बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसित हों, और दूसरी बात बच्चों का पौष्टिक आहार वो अच्छा हो, ये सब दिया जाता है। तो पूछना चाहेंगे आप दोनों से ही, मेरा ये सवाल है कि जब भी कोई योजना आती है या जिस मिशन आता है तो उसमें क्या होता है कि पूरे जो विभागीय लोग हैं सभी बिल्कुल जोर शोर से लगे रहते हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस, जो पोषण माह तो हर साल मनाया जाता है जागरूकता के लिए, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फील्ड में आप महसूस करते हैं? चैलेंजेस तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ समन्वय बहुत अच्छा है जी, और स्वास्थ्य विभाग और जो WCD डिपार्टमेंट है इनका जो समन्वय बहुत अच्छा, आंगनवाड़ी आशा ANM हमारे सुपरवाइजर डॉक्टर सबका हम लोग का समन्वय के साथ हम लोग और बहुत मिलके और एक महाअभियान के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, और हमने ये ठान लिया है कि उत्तराखंड से कुपोषण और एनीमिया बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे जी। और इसके लिए थोड़ा एक संदेश और मैं देना चाहता हूँ कि विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत फायदा करता है जी। विटामिन सी की कमी से भी आयरन शरीर में नहीं जाएगा, तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो ताजे फल हैं, जैसे मैडम ने भी अभी बोला, आपने भी बोला कि स्विगी जोमेटो और जंक फूड और हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं जी। तो मेरा इस समय अपनी जनता अपने दर्शकों से अनुरोध है कि जो ताजे फल हैं और विशेष रूप से हमारे यहाँ आंवला और माल्टा पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इनका ताजे फलों का सेवन करें, आम का सेवन करें, हरी पत्तेदार, जैसे अभी आपने बोला था कि अभी इस समय पूरा ही पहाड़ में हर जगह हरियाली हो रखी है, और जैसे मैडम ने भी बोला कि पोषण वाटिका का हमें उसका निर्माण करना है, उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि हरी सब्जियाँ, विशेषकर पत्तेदार सब्जियाँ जो हमारे यहाँ होती हैं, राई होती है, मूली गाजर इत्यादि जो भी होती हैं, तो उनका जरूर सेवन करें, और इसके साथ जो है दूध के जो पदार्थ हैं वो भी बहुत पौष्टिक होते हैं, दही पनीर मट्ठा इत्यादि जो हमारी परंपरा रही है, मट्ठाछ जिसे हम कहते थे, तो उसका भी हम जो है जरूर सेवन करें। पूछना चाहेंगे आप, मैं एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ, कुछ भ्रांतियाँ जैसे समाज में मिलती हैं कि जैसे आप देखेंगे जो हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि कुछ महिलाएं शिकायत करती हैं कि दूध पर्याप्त नहीं हो रहा है बच्चे के लिए, या उनके निपल्स टिल्ट हो जाते हैं, अंदर को हो जाते हैं, या घर में किसी प्रकार का, जैसे अभी एक गर्भवती महिला ने कहा कि उसको घी नहीं देना है कि माना जाता है कि अच्छी वो दूध अच्छा नहीं होगा, तो समाज में अलग अलग समुदाय में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं हमारे यहाँ, तो ऐसी भ्रांतियों को भी बहुत दूर करने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि चाय पीना है, लेकिन ये जागरूकता ही नहीं है कि चाय से आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो ये सब भ्रांतियों को भी दूर करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। और जैसे कि हमारा समय बढ़ रहा है और सोशल मीडिया की यदि बात करें तो जो माताएं हैं वो बच्चों को, पेरेंट्स जो अभिभावक के फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो क्या मुझे लगता है उससे भी उनके कहीं कहीं ना कहीं ग्रोथ में कमी आती है, क्योंकि पहले जो फिजिकल एक्सरसाइजेस बच्चे करते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं ना खाने में फोकस है, ना एक्सरसाइजेस में फोकस है, ना बाहर फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आप दोनों से ही चर्चा करके बहुत आनंद आया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी हमारा ये आज का जो स्पेशल कार्यक्रम है बेहद पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि दूरदर्शन समाचार उत्तराखंड फिर हाजिर होगा अगले हफ्ते एक नए विशेष कार्यक्रम के साथ। फिलहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार जताना चाहूँगी हमारे आज के मेहमान का, अतिथियों का, और चलते चलते कहना चाहूँगी कि स्वस्थ ही जीवन है और स्वस्थ ही धन है, इससे परे ना कोई खुशी है ना कोई अमन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।